समाज सेवा और प्रकृति संरक्षण करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास भारी धन हो। आसपास बिखरे तुच्छ वस्तुओं को भी बेहतर संसाधन बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरत है तो बेहतर सोच और जज्बे की। 63 साल के बाबूलाल वर्मा की सोच जरा हटके है। वह पेड़ पौधों को बचाने के लिए शमशान घाट से कफन, बांस और साड़ी लेकर आते हैं, फिर उससे पौधों की सुरक्षा का घेरा बनाते हैं। उनका यह काम 1983 से लगातार जारी है। बाबूराम कहते हैं, शमशान से सब कुछ मुफ्त मिल जाता है, इसलिए पौधों को जीवन देना इसका इस्तेमाल हो रहा है। भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर हुए बाबूराम वर्मा ने अपनी नौकरी के दिनों से पर्यावरण को बचाने का काम शुरू किया था। लोग पौधा लगाते तो हैं, लेकिन उसके सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं करते। ज्यादा धूप और पानी की कमी के कारण अक्सर पौधे मर जाते हैं या फिर उन्हें जानवर खा जाया करते हैं। ऐसे में उन्होंने पौधों को लगाने और उनकी सुरक्षा करने का बीड़ा उठाया। बालूराम पूरे शहर में घूम घूम कर पौधे लगाते हैं। इसके बाद उनके चारों तरफ बांस गाड़ कर उन्हें साड़ी से कवर कर देते हैं। साड़ी से कवर कर देने से पौधे को गर्मी से लू नहीं लगती और वह जानवरों से भी बच जाते हैं। अब तक 10,000 से अधिक पौधे लगा चुके हैं। वही भिलाई स्टील प्लांट की ओर से उन्हें बांस गाड़ने के लिए मशीन और ई रिक्शा मिला हुआ है। उन्होंने खुद का नर्सरी भी बनाया है। शमशान में बिखरे चीजों का इस्तेमाल समाज हित के लिए किया है। वास्तव में बालूराम वर्मा जैसे निस्वार्थ व्यक्तियों की राजनीति में आवश्यकता है, जिनके अंदर समाज और प्रकृति सेवा की भावना है। दबी आवाज में कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि बालूराम वर्मा को राज्यसभा सांसद बनाया जाए। वे अधिक शक्ति और संसाधन पाकर समाज और प्रकृति को बेहतर सुरक्षा दे सकते हैं। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।